नमस्कार बच्चों। तो पिछली बार जब हम मिले थे तो हमने रीडिंग सेक्शन को डिस्कस किया था, जहां पर हमने देखा था कि डिस्कर्सिव पैसेजेस वगैरह जब आते हैं ना, मतलब जो कि फैक्ट हैवी नहीं है बट उनको अटेम्प्ट करना जरूरी है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे फिक्टिशियस एलिमेंट्स हो सकते हैं, मतलब मनगढ़ंत कहानियां वगैरह हो सकती हैं, तो उनको डिस्कर्सिव कहा जाता है। हमने उसको किस तरीके से अप्रोच करना है ये सीखा था। वो आसान है, वो हो जाता है, सिनोनिम एंटोनिम निकालना वगैरह हो जाता है, गिवन अगर मैंने आपको जो टिप्स बताई थी याद हो तो, अगर आप उनको फॉलो करें तो, कि ध्यान से पढ़ना है, पहले क्वेश्चन देखें फिर आंसर बजाएं, कीवर्ड्स वगैरह शॉर्टलिस्ट करें, ऑल दोस थिंग्स। बट जब हम केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेजेस की बात करते हैं तो दोनों में अंतर क्या है? ज्यादा अंतर नहीं है, अंतर है फैक्ट्स का। तो चलिए जानते हैं कि केस बेस्ड पैसेजेस जब अगर आएंगे रीडिंग सेक्शन में, सो हाउ शुड वी अप्रोच दीज काइंड ऑफ पैसेजेस सो दैट आर आंसर्स आर 100% इम्पैक्टफुल जब एग्जामिनर बैठ के पेपर चेक करने लगे। बट उसके पहले एक बार लाइव की स्थिति देख लेते हैं, कौन कौन है। जी हाँ, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग आ चुके हैं क्या। कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा इफ यू आर एबल टू लिसन टू मी क्लियरली, कैन यू हियर मी प्रॉपरली, कैन यू सी मी प्रॉपरली, ये सारी चीजें मैं कोई को बता दो कमेंट सेक्शन में, एंड देन वी शैल बिगिन। चलिए, हेलो सात बच्चों जो देख रहे हैं अभी, प्लीज कमेंट सेक्शन में लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन। कौन हो तुम, कहाँ से हो तुम, बताओ। वर यू देयर इन द प्रीवियस क्लास, ये बताओ। एंड एज सून एज आई स्टार्ट गेटिंग रिस्पॉन्सेज, जैसे ही मेरे को कमेंट सेक्शन में थोड़ी गतिविधि दिखने शुरू हो जाती है, देन वी शैल रिज्यूम विद आवर क्लास फॉर द डे। हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हेलो इशिका, हेलो शीतल, हेलो प्रणय, हेलो शीतल। चलो, आई एम ऑडिबल आई गेस, राइट? बढ़िया, 14 लोग हमें ज्वाइन कर चुके हैं ना। मुद्दा सिर्फ इतना ही है, ये सारे वीडियोस वगैरह बनाने का, ये सब लाइव वाइव करने का, कि यार इसके अलावा कहीं और जाने की आपको आवश्यकता ना पड़े। क्यों? क्योंकि रीडिंग एक स्किल है, राइटिंग एक स्किल है, ये सिर्फ सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज या कोई भी और लैंग्वेज तक सीमित नहीं है, ये तो इन जनरल एक ऐसा स्किल है जो कि जीवन भर हमारे काम आएगा। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम कर रहे हैं। हाँ, बोर्ड्स को भी ध्यान में रखा ही गया है, पर बोर्ड्स निकल जाएंगे वाइल वी आर फोकसिंग ऑन अपस्किलिंग आवर सेल्व्स व्हेन वी टॉक अबाउट रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शन। दैट हैज ऑलवेज बीन अपना एजेंडा। इंग्लिश मेरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अरे वाह शीतल, बहुत बढ़िया। लिटरेचर की बात कर रहे हो कि रीडिंग राइटिंग की भी बात कर रहे हो, आप मुझे ये बताना, ठीक है? चलिए, तो सज्जनों और देवियों, आगे बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं? पहला पैसेज आप लोगों के सामने, डायरेक्टली पैसेज देखेंगे और उसके बाद अपन आंसर करना शुरू कर देंगे, ठीक है? नाउ रिमेंबर, कई बार हमारे पैसेजेस में 1, 2, 3, 4 पैराग्राफ्स को नंबर किया जाता है, और जब क्वेश्चन वाला सेक्शन आता है तो उसमें बताया जाता है कि इस वाले पैराग्राफ में से आपको इस क्वेश्चन को आंसर करना है। तो याद रखिएगा कि ये नंबर्स अगर लिखे ना, तो ध्यान रहे इस चीज का, एक बार आराम से देख लेना जो 15 मिनट पहले मिलते हैं ना, कि यार किस तरीके से पैटर्न बना है, किस तरीके से पेपर बना है। अगर नंबर्स हैं तो बहुत आसान हो चुका है हमारा काम, ये बात आप याद रखिएगा। सर सारी चीज बस एनिमी, ओ We'll sort the enemies out. All right. तो आराम से बैठ जाइए, पानी चाय कॉफी जो भी साइड में रखना है रखिए, स्नैक्स अपने आसपास रखिए, और बढ़िया कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाइए। हाँ, सीबीएसई का क्वेश्चन है। ताहा, यस, सीबीएसई का क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना अपने फैक्ट बेस्ड पैसेज को। मिल्खा सिंह, ऑल्सो नोन एज द फ्लाइंग सिख, was an Indian track and field sprinter who was introduced to the sport while serving in the Indian Army. He is the only athlete to win gold in 400 meters at the Asian Games. अब as usual जो अपना करने का तरीका है इन चीजों का अप्रोच अपन करना शुरू कर देना है। जब भी कोई नाम, कोई नंबर या कोई प्लेस आए, हमें उसे हाईलाइट कर लेना है, भले ही हमें लगे कि बाद में यूज हो या ना हो, बट ये बेयर मिनिमम, इसको हम क्या कर रहे हैं, हम अपने ही एक मेमोरी बना रहे, मसल मेमोरी टाइप की एक चीज बना रहे हैं यहाँ पे, उसके ऊपर काम कर रहे हैं ताकि हमारी आदत बन जाए। वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ हैबिट
सो मेक श्योर कि अपन ये करें. द फ्लाइंग सिख, मिल्खा सिंह की बात कर रहे हैं, उनको फ्लाइंग सिख भी कहा जाता था. दिस इज अ मोनिकर, उनका निकनेम भी था. While he was serving in the Indian Army, he is the only athlete to win gold in 400 meters in Asian Games as well as the Commonwealth Games. He also won gold medals in the 1958 and 62 Asian Games. He represented India in the 1956 Summer Olympics in Melbourne. In 1960 Summer Olympics in Rome and 1964 Summer Olympics in Tokyo. तो तीन Summer Olympics के editions में इन्होंने भाग लिया था, and इन्होंने यहाँ पर कौन कौन से थे वो, मेलबर्न, रोम और टोक्यो. ही वाज अवार्डेड द पद्मश्री, इंडियाज फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज स्पोर्टिंग अचीवमेंट्स. पहला पैराग्राफ खत्म. पैराग्राफ नंबर टू, द रेस फॉर विच सिंह इज बेस्ट रिमेंबर्ड इज हिज फोर्थ प्लेस फिनिश इन द 400 मीटर्स फाइनल इन द 1960 ओलंपिक गेम्स. He led the race till the 200 meter mark before easing off, allowing others to pass him. Singh's fourth place time of 45.73 seconds was the Indian national record for almost 40 years. ध्यान से देखिए बोर्ड को, तब तक मैं फिर से एक और बार कमेंट सेक्शन में जाता हूं. हेलो ब्रजेश, नमस्ते सर. मैं महक सर, मैं अभी कर लेती हूं पर एग्जाम में नहीं कर पाती है. हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछे कि यार अभी तो एग्जाम के बाहर तो सब कुछ आ जाता है, सब कुछ कर लेते हैं अपन, बढ़िया आंसर कर लेते हैं, सिनोनिम एंटोनिम वगैरह निकाल लेते हैं, आंसर्स को आइडेंटिफाई करके लिख लेते हैं, पर एग्जाम के दौरान ऐसा क्यों नहीं होता है? इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले हैबिट बिल्डिंग की बात करी थी, क्योंकि उन तीन घंटों में आपको पहले भी बोल चुका हूं, फिर से बोल रहा हूं, इट्स नॉट अ टेस्ट, इट्स नॉट ओनली एन एग्जामिनेशन ऑफ योर रिमेंबरिंग या मेमोरी स्किल्स, इट्स ऑल्सो एन एग्जामिनेशन ऑफ योर स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स. इसलिए अगर हमने हैबिट बना ली कि यार अगर पैसेज आया तो पहले हम हाईलाइट करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चंस को अपने अप्रोच करने के लिए, या फिर पहले हम क्वेश्चंस को देखेंगे, उसमें से कीवर्ड्स छाटेंगे, वही कीवर्ड्स को हम जब पैसेज पढ़ रहे होंगे हाईलाइट करेंगे, एंड बेस्ड ऑन दैट वी आर गोइंग टू आंसर द क्वेश्चंस. हमने हैबिट बना ली, हमें पता है कि अप्रोच कैसे करना है, दैट इज द नेम ऑफ द गेम. यही होता है एग्जामिनेशन. आप सेट पैटर्न्स बना लेते हैं, सेट हैबिट्स बना लेते हैं कि इस क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करना है, उस क्वेश्चन को वैसे अप्रोच करना है. हमने राइटिंग सेक्शन के बारे में भी ऐसी ही बात करी थी, जहाँ पे फॉर्मेट सबसे ज्यादा हैवी हुआ करते थे, बट वहाँ पे भी एक अप्रोच थी. हम रीडिंग सेक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी एक अप्रोच है. नाउ रीडिंग सेक्शन की जनरल एक अप्रोच है, बट हम स्पेसिफिक अप्रोचेस पे बात कर रहे हैं. पिछले वाले वीडियो में हमने बात करी थी, पिछले वाली लाइव क्लास में हमने बात करी थी हमारे डिस्कर्सिव पैसेजेस पे, अभी हम बात कर रहे हैं हमारे केस बेस्ड पैसेजेस पे. तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यार यहाँ पे तो कर लूंगा, एग्जाम की जब बात आएगी तब क्या होगा, तब भी आप इसी बात को ध्यान में रखिएगा. अप्रोच हमारी सिंपल सी है, पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम रीडिंग पैसेज के ऊपर जाएंगे, बात खत्म. और ये करने के लिए, इसको आसान बनाने के लिए, जो पहले 15 मिनट मिलते हैं हमें टू गो थ्रू आवर क्वेश्चन पेपर, हम उसके दौरान, उसी दौरान हम अपने रीडिंग पैसेज को भी पढ़ लेंगे. ये हमारा हमारा एजेंडा होना चाहिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पेपर पे हम. हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन पेपर पे मार्क यूजुअली नहीं करने दिया जाता है एज फार एज आई नो, तो फिर भी डॉट्स वगैरह छोटे से पेंसिल से बना बना के कर सकते हो. और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप हाईलाइट करो या ना करो, आप कुछ भी रीड कर रहे हो जीवन में, तो प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव अ पेन और अ पेंसिल इन योर हैंड. द रीजन इज वेरी सिंपल, इसकी वजह से आप तेज पढ़ पाओगे, ताकि आपकी आंखें यहां वहां डगमगाए ना बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस ऑफ टाइम एंड द जनरल प्रेशर ऑफ एन एग्जामिनेशन. तो हाथ में पेन पकड़ के ये करो, आपकी थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी. अभी याद रखिए, कुछ ही दिनों में हमारा एग्जाम है, अभी हम कोई बड़े बड़े चेंजेस नहीं लाएंगे. इसके बाद जब हम साल भर पढ़ेंगे अगले वाले पूरे एकेडमिक ईयर के लिए, तब हम हैबिट बिल्डिंग के ऊपर भी बात करेंगे. तब हम वी आर गोइंग टू फोकस ऑन हाउ टू बी अ लिटिल मोर प्रोडक्टिव व्हेन इट कम्स अबाउट, व्हेन वी टॉक अबाउट आवर स्टडीज, आवर एकेडमिक लाइफ एंड इन जनरल लाइफ ऑल्सो. ठीक है. अब कमेंट्स में लिख के बताइए. वैसे तो लग रहा होगा यार ये सब कुछ मार्क कर दिया, बट ऐसा नहीं है. कमेंट्स में लिख के बताइए अभी तक की कहानी समझ में आ रही है. जब भी कोई भी इंपॉर्टेंट नाम या कोई प्लेस या फिर कोई ईयर या फिर कोई नंबर अगर आए, इसको हमें हाईलाइट करना है हमारे दिमाग में, या फिर बिंदु बना के हमारे पेपर पे. व्हाई? बिकॉज ये कहीं ना कहीं किसी प्रश्न का उत्तर जरूरी होगा
इफ वी टॉक अबाउट केस बेस्ड पैसेजेस, बताइए। पूर्वी, बहुत डर लग रहा है, क्यों डर लग रहा है? अंग्रेजी बस एक भाषा है, हवा बना रखा है, दैट्स द इशू, डोंट वरी। और अभी तो हम लैंग्वेज सेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं, लैंग्वेज सेक्शन में तो कुछ याद रखने के लिए है ही नहीं फॉर्मेट्स के अलावा और जनरल ग्रामर के अलावा। सो डोंट फ्रेट अबाउट इट टू मच, और डर ना लगे इसलिए तो अपन ये क्लास में है। सो प्लीज बेयर विथ मी। हाँ, कमेंट्स में बताइए प्लीज, क्या समझ में आ रहा है कि मैंने हाईलाइट जो चीजें करी हैं क्यों करी हैं। जैसे ही आप मुझे बताएंगे आई विल मूव ऑन टू द रेस्ट ऑफ द पैराग्राफ्स ऑफ दिस पैसेज। ठीक है, एक बार मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कि क्या अभी तक की कहानी समझ में आई, जो चीज मैंने हाईलाइट करी क्यों हाईलाइट करी। नाउ दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ डिस्कर्सिव पैसेज एंड ए केस बेस्ड पैसेज। में इतने सारे फैक्ट्स दिए हैं, हमें उसको हाईलाइट करना ही पड़ेगा, तो क्या करें, तो हाईलाइट कर करके अपन करते चले जा रहे हैं। हाँ, पर बार बार मैं बोल रहा हूं, पहले क्वेश्चन देखो फिर इस पे करो, अभी वी आर गोइंग द लॉन्ग रूट। ठीक है, हाँ चलिए। पूर्वी, ऑसम, थैंक यू फॉर द फीडबैक। बाकी बच्चों, जो इतने सारे बच्चे अपने साथ जहां जुड़े हुए हैं, फटाफट बताओ अभी तक जो हमने मार्क किया, क्यों मार्क किया, समझ में आ रहा है, कैसे हम फिगर आउट कर रहे हैं कि कौन सा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं, समझ में आ रहा है। नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, वट एवर, ठीक है, थिंग्स, कॉन्सेप्ट्स, ये सारे नाम, डेट्स, ईयर्स, क्वांटिटी, ये सारे नंबर्स जो हैं, तो नेम्स एंड नंबर्स आर एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, और इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है जब भी हम डिस्कर्सिव की बात करें। ठीक है, ऑसम। ओलंपिक गेम्स की बात कर ली, इतने सारे हम हाईलाइट्स मिल गए, समर ओलंपिक्स की बात कर ली, टीन एडिशन में कर चुके हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मिल्खा साहब ने और क्या क्या किया। पैराग्राफ नंबर थ्री, रिमेंबर पैराग्राफ के नंबर, दीज आर नंबर्ड पैराग्राफ्स, पैराग्राफ्स में नंबर्स लिखे हुए हैं, तो ये जरूरी है हमारे लिए। नाउ पैराग्राफ नंबर थ्री, फ्रॉम बिगिनिंग्स दैट सॉ हिम ऑर्फन्ड एंड डिस्प्लेस्ड ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया, सिंह बिकेम अ स्पोर्टिंग आइकन इन द कंट्री। इन 2008 जर्नलिस्ट रोहित बैजनाथ डिस्क्राइब्ड सिंह एज द फाइनेस्ट एथलीट इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड। अब यहां पर हमने फिर से देखा, बहुत जरूरी है, 2008 में एक जर्नलिस्ट ने बोला कि भाई ये बेस्ट, द फाइनेस्ट एथलीट दिस लैंड हैज एवर प्रोड्यूस्ड, इस कैटेगरी में इनको रखा गया। तो यहाँ पे इनको एक और मॉनिकर मिला, मॉनिकर का मतलब होता है एक निक नेम या पेट नेम, अपने भी होता है ना, चुन्नू मुन्नू टुन्नू कुन्नू, वो सारी चीजें। Question number four. He was disappointed with his debut performance at the 1956 Melbourne Olympics. बातों में बता दिया कि मिल्खा सिंह साहब का डेब्यू हुआ था 1956 Melbourne Olympics में। I returned to India chastened by my poor performance in Melbourne. I had been so excited by the prospects of being part of the Indian Olympics team, but hadn't realized how strong and professional the competition would be. My success in India had filled me with a false sense of pride, and it was only when I was on the track that I saw how inconsequential my talents were when pitted against superbly fit and seasoned athletes. It was then that I understood. Oh ho, rubber nikal nikal ke. It was then that I understood what competition actually meant, and that if I wanted to succeed on the international arena, I must be prepared to test my mettle against the best athletes in the world. अभी यहाँ पर ये मजेदार है, बताता हूँ क्यों। ये तो ठीक है, अपन ने फैक्ट बैक कर लिया, अब ये भी ठीक है, ये भी अपना फैक्ट है, ठीक है, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, बट ये तीन चार वर्ड्स जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं, इसका मीनिंग क्या है मुझे अभी कमेंट्स में लिख के बताओ। मीनिंग, सिनोनिम क्या है, चैसेंड, ठीक है, उसके बाद पिटेड, सीजन्ड, मेटल। अब बिफोर यू ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन आई हैव पोस्ड यू विथ, मुझे ये बताना जरूरी है आपको कि कभी भी कोई भी ऐसा शब्द आ जाए जिसको हमारे परखच्चे उड़े, हम हैरान परेशान हुए कि भैया ये क्या बोल दिया आपने, सीधी सीधी बात क्यों नहीं कर रहे, इतने बड़े बड़े शब्द कहां से फेंक दिए। तब हमें करना क्या है, तब हमें पूरी लाइन को पढ़ना है, एक लाइन पहले एक लाइन बाद, और उन तीन सेंटेंस को जब हम पढ़ेंगे तब हमें इसका मीनिंग ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। दिस इज द लॉन्ग वे टू गो अबाउट इट। शॉर्टर वे क्या है, एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तीन ऐसे वर्ड्स होंगे, अगर सिनोनिम पूछा है तो तीन ऐसे वर्ड्स होंगे जो कि उसका मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा, और एक होगा जो एकदम समझ में आ रहा होगा, तो हमें वो चारों वर्ड्स को रिप्लेस कर करके देखना है कि मीनिंग इंटैक्ट कौन से वर्ड के साथ रह रहा है।
अब ये कैसे करेंगे, क्योंकि पैराग्राफ का नंबर दिया रहेगा तो इसकी वजह से आसानी हो जाएगी कि चौथे पैराग्राफ में ऐसे वर्ड कौन सा है जो कि ये दर्शाता है जहां पे डांट पड़ी, फटकार पड़ी। मैंने तो आंसर बता दिया। एनीवे, तीन और है तो कमेंट्स में बताइए। साइंस क्यों पढ़ा दूं मैं, क्यों पढ़ा दूं साइंस, इंग्लिश खत्म कर लो पहले। चलो बताओ, चैसेंड पिटेड अगेंस्ट सीजनड मेटल। सबसे पहले शुरुआत करते हैं चैसेंड। नहीं पता तो अभी पता चल जाएगा, दैट्स द ब्यूटी ऑफ लिटरेचर। ध्यान से पढ़ो, तो सबसे पहले तो यहां पे डबल इनवर्टेड कॉमास में मतलब मिल्खा सिंह साहब अपने ही शब्दों में कुछ एक्टिव वॉइस में कुछ कह रहे हैं, ठीक है, और तो डायरेक्ट स्पीच में कुछ कह रहे हैं। रिटर्न टू इंडिया चैसेंड बाय माई पुअर परफॉर्मेंस। चैसेंड बाय माई पुअर परफॉर्मेंस मतलब कुछ ऐसा हुआ, पुअर परफॉर्मेंस के चलते जब वापस भारत आए तो कैसा फील कर रहे होंगे। अगर तुमने परफॉर्म खराब किया तो तुम अपने आप से कैसे बात करोगे, अपने आप को प्यार दोगे, दुलार दोगे, या डांटोगे या झपटोगे, बताओ मुझे। यही बता दो कि अगर तुमने खराब परफॉर्मेंस किया, देखो पुअर परफॉर्मेंस, ये दो वर्ड्स जो है ना, ये फ्रेज जो है ना, ये बता सकता है हमें इस वाले वर्ड का मीनिंग। तो अगर तुमने पुअर परफॉर्मेंस किया, हाउ वुड यू फील, गुड और बैड? बेयर मिनिमम बेसिक से शुरू करो। पुअर परफॉर्मेंस किया तो गुड फील करोगे या बैड फील करोगे, पहले इतना बताओ, गुड और बैड? कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आंसर तुम्हें पता है, लिखना फिर भी जरूरी है ताकि पता तो चले कि मैं सिर्फ कैमरे से बात नहीं कर रहा, मेरे प्यारे बच्चे वहां पे बैठे हुए हैं अपने अपनी स्क्रीन पे। ब्रिजेश लेट आएगा तो ऐसे ही होगा, मैं पढ़ा रहा हूं रीडिंग सेक्शन में, जब हमारे फैक्चुअल वाले जो पैसेजेस आते हैं ना, तो उनको अप्रोच कैसे करना है, तो हम इंग्लिश के रीडिंग सेक्शन की बात कर रहे हैं। और एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस इज नॉट क्लास स्पेसिफिक, इसमें सिर्फ 10th या 11th या 12th की बात नहीं है, ये पूरे उन सब बच्चों के लिए जिनके एग्जाम पैटर्न्स इसको फॉलो करते हैं जहां पे पैसेजेस आते हैं, ठीक है। बताओ मुझे, पुअर परफॉर्मेंस से गुड फील करोगे बैड फील करोगे, फटाक से क्विकली, इट्स एज सिंपल एज दैट। आई नो द आंसर, यू नो द आंसर, आई नीड यू टू राइट द आंसर, और फिर कुछ चार नए वर्ड्स हम सीख लेंगे, अच्छे लगे तो कॉपी में भी लिख लेंगे। बताइए सज्जनों देवियों, बता ब्रिजेश, चैसेंड पुअर परफॉर्मेंस, चैसेंड वर्ड का मीनिंग हमें पुअर परफॉर्मेंस से मिलेगा। पुअर परफॉर्मेंस करते हैं तो कैसा लगता है, अच्छा या बुरा, फटाक से बताओ, सब बताओ जो भी बता सकते हैं प्लीज, फिर आगे बढ़ेंगे। अटक गया है कि आंसर नहीं दे रहे हो? अरे यार, ऑफ कोर्स वी विल फील बैड। तो चैसेंड एक नेगेटिव वर्ड है जो कि बैड फीलिंग को दर्शाता है। अब एमसीक्यूज में देखेंगे, चैसेंड का मतलब होता है फटकार लगाना, डांटना, टू स्कोल्ड। तो बोलते हैं तुम्हारी यार क्या घटिया परफॉर्मेंस था मेरा यार, सबको जाता था पर वहां जाके पता चला कि यार कितनी इंप्रूवमेंट का स्कोप है मेरे पास, ये जो कर रहे हैं अपने आप से। तो मिल्खा सिंह साहब यही कर रहे थे अपने आप से, ही चैसेंड हिमसेल्फ फॉर हिज पुअर परफॉर्मेंस, डिसअपॉइंटेड, वेरी गुड। तो चैसेंड का मतलब है डांटना, फटकारना, इस केस में ये अपने साथ कर रहे थे, बिकॉज जैसे कि ताहा ने कहा, ही वॉज डिसअपॉइंटेड विद हिज पुअर परफॉर्मेंस। नेक्स्ट पिटेड, वेन पिटेड अगेंस्ट सुपरबली फिट, वेन पिटेड, पिटेड का क्या मतलब है? पिट का मतलब हमें पता होता है, दो वर्ड मीनिंग होते हैं, एक गड्ढा होता है और एक जो सीड्स होती है ना, ऑरेंज वगैरह में जो सीड्स निकलती हैं उन्हें भी पिट बोला जाता है, और जो गड्ढा होता है, गड्ढा ऐसे गड्ढा करते हैं ना जमीन में, उसको भी पिट बोला जाता है, पर ये एक अलग पिट है। ये क्या पिट है? हाउ इनकॉन्सिक्वेंशियल माई टैलेंट्स वर व्हेन पिटेड अगेंस्ट सुपर्बली फिट एंड सीजन्ड एथलीट्स। क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है इसका? अब मेरे को तब समझ में आया कि मैं तो बड़ा सोचा था कि मैं बड़ा शाना, मैं ही सबसे बेस्ट, पर जैसे ही मैं इतने फिट लोगों के बीच में इंटरनेशनल स्टेज पे आया, व्हेन आई वाज कंपीटिंग विद देम, व्हेन आई हैड टू कंपीट विद देम, देन आई रियलाइज्ड, अरे भैया हम कितने पानी में हैं। ये है मीनिंग इसका। अब मुझे बताओ पिटेड वर्ड का मीनिंग क्या होगा, फटाक से कमेंट सेक्शन में फटाक से बताइए। भाई हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, बिना लिखे बिना पढ़े तो इसकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। बोलिए, हेलो अनुष्का, वेलकम टू द क्लास, बताइए पूर्वी
ब्रजेश गेस करो, देखो अभी हम जितनी गलतियां कर सकते हैं करके सिस्टम से निकाल देते हैं ताकि मेन एग्जाम के दिन गलतियां ना हो। तो अभी गलत आंसर दो आगे बढ़ो, गलत आंसर दो आगे बढ़ो, सही आंसर दो आगे बढ़ो, इन आइदर ऑफ द केस आगे बढ़ो। तो पिटेड का क्या मतलब होगा, मैंने आंसर बता दिया जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था। अब ये कोलोक्वियल यूज है, कोलोक्वियल मतलब बातचीत में ऐसे वर्ड्स को यूज किया जाता है, फॉर्मली ज्यादा यूज नहीं किया जाता। बताइए गेस, परफेक्ट, व्हेन टैलेंट्स वर पिटेड अगेंस्ट सुपरबली फिट एंड सीजन्ड एथलीट्स। तो व्हेन आई वाज इन कंपैरिजन, आई वाज इन कंपटीशन विद, व्हेन पिटेड अगेंस्ट का मतलब इनके साथ उनका कंपैरिजन करा यार। तो पिटेड का वर्ड का मीनिंग ये है, ताहा थैंक यू सो मच, वंडरफुल, सुपरबली फिट एंड सीजन्ड एथलीट्स। यहां पे सीजन्ड एथलीट का मतलब है एक्सपीरियंस्ड एथलीट। तो अगर क्वेश्चन आया कि फाइंड द सिनोनिम फॉर द वर्ड एक्सपीरियंस फ्रॉम द फोर्थ पैराग्राफ ऑफ द गिवन पैसेज, आपका आंसर होना चाहिए सीजन्ड। अब इसको कैसे पता चलेगा सीजन्ड है भाई ये, क्योंकि सीजन्ड एथलीट यहां पे सीजन जो वर्ड है एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है फॉर एन एथलीट। अब एक्सपीरियंस कौन होगा, एक तो ये पॉसिबिलिटी है या फिर मिल्खा सिंह खुद पॉसिबिलिटी है, यहां पे हमें देखना पड़ेगा। पर हमको आंसर को अप्रोच करने के लिए हेल्प क्या कर रहा है, फोर्थ पैराग्राफ में से इस वर्ड को आइडेंटिफाई करिए, इसलिए मैं बार बोल रहा हूं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर नंबर्ड आए और नंबर्ड पैसेजेस ही आते हैं। ठीक है, वेरी गुड था। नाउ आई मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू टेस्ट माई मेटल अगेंस्ट द बेस्ट एथलीट इन द वर्ल्ड, METLE, ये दूसरा मेटल है, METAL वाले मेटल से अलग है, METLE मेटल है। क्या मतलब है इस मेटल का, हमारा स्ट्रेंथ, हमारी विल पावर, विल पावर। तो मेटल, ये वाले मेटल का मतलब है विल पावर। टू टेस्ट माय विल पावर अगेंस्ट द बेस्ट एथलीट्स इन द वर्ल्ड, मैंने जैसे ही वर्ड को रिप्लेस किया स्टिल इट मेक्स कंप्लीट सेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोर्ड्स का समय है, फोन सुनाएंगे ना, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है, ऑलराइट, पैराग्राफ नंबर 5, देन ही डिसाइडेड टू मेक स्प्रिंटिंग द सोल फोकस ऑफ हिज लाइफ। तो स्प्रिंटिंग को बोला सोल फोकस बनाएंगे। रनिंग हैड दस बिकम माय गॉड, माय रिलीजन, माय बिलोवेड, माय लाइफ ड्यूरिंग दोस 2 years वाज गवर्न्ड बाय स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड सेल्फ इम्पोज्ड पेनेंस। मतलब पेनेंस का मतलब बहुत गंभीर अपनी उस क्या बोलते हैं अपने पूरे रूटीन को उन्होंने चेंज कर लिया, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूटीन, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन लाइफस्टाइल में चले गए। तो बेसिकली ये एक बहुत बड़े क्या बोलते हैं ध्यान के जैसा था। ठीक है, एवरी मॉर्निंग आई वुड राइज एट द क्रैक ऑफ डॉन, गेट इन टू माई स्पोर्ट्स किट एंड डैश ऑफ टू द ट्रैक, crack of dawn, dash off to the track where I would run 2 or 3 miles cross country in the company of my coach. On how he pushed himself through the tough days of vigorous training, I practiced so strenuously that often I was drained of all the energy, and there were times when I would increase my speed to such an extent that after my rounds I would vomit blood and drop down unconscious through sheer exercise. My doctors and coaches warned me, asked me to slow down to maintain my health and equilibrium, but my determination was too strong to give up. My only focus was to become the best athlete in the world. But then images of a packed stadium filled with cheering spectators, wildly applauding me as I crossed the finishing line, would flash across my mind and I would start again, encouraged by visions of victory. Jab jab double inverted commas, matlab direct speech mein agar koi bhi kuch bol raha hai, वहां से क्वेश्चन का बनना बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, ऑसम, चलो ना, इंपॉर्टेंट वर्ड्स है क्रैक ऑफ डॉन। क्रैक ऑफ डॉन का क्या मतलब है, कमेंट्स में लिख के बताइए मुझे प्लीज, व्हाट डज क्रैक ऑफ डॉन मीन। क्रैक ऑफ डॉन ऐसे फ्रेजेस हैं जिसके फ्रेजेस सिर्फ वर्ड्स की मीनिंग्स पूछने जरूरी नहीं है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस की भी मीनिंग्स पूछे जा सकते हैं। तो अगर मैं कहूं कि क्रैक ऑफ डॉन का मतलब क्या है, इज इट लेट नाइट, इज इट अर्ली मॉर्निंग, इज इट इवनिंग और इज इट आफ्टरनून, ए लेट नाइट, बी अर्ली मॉर्निंग,
सी आफ्टरनून, डी इवनिंग। हाँ ठीक है, बताओ ए बी सी डी क्या मतलब है क्रैक ऑफ डॉन का। इतना सिंपल। ऐसे ही प्रश्न आते हैं, ऐसे ही प्रश्न आएंगे, बिकॉज कॉम्पिटेंसी बेस्ड है आपसे आपके एग्जामिनेशन। कॉम्पिटेंसी बेस्ड का मतलब क्या होता है कि रटने से काम नहीं बनेगा, काम किससे बनेगा, समझने से। तो क्रैक ऑफ डॉन का मतलब क्या है? ओ ब्रजेश और ताहा मेरे पे ध्यान दीजिए, आप दोनों स्टूडेंट्स हैं, इफ यू आर सो इंटरेस्टेड। बी अर्ली मॉर्निंग, ताहा अर्ली मॉर्निंग क्रैक ऑफ डॉन। ब्रजेश क्रैक ऑफ डॉन का क्या मतलब है आप बताओ मुझे आपके हिसाब से। क्रैक ऑफ डॉन बिल्कुल सही कहा था आपने, अर्ली मॉर्निंग बोलते ना, सुबह हो रही है, भोर फटना, क्रैक ऑफ डॉन, उसका जस्ट इंग्लिश वाला कार्यक्रम जो है वो क्रैक ऑफ डॉन है। ठीक है, अब सिक्स वाला पैराग्राफ वॉज ऑल अबाउट हिम choosing to exercise to the best of his limits. Why? Because he wanted to be the best athlete in the world. अब आगे बढ़ते हुए, अब आते हैं questions की बारी। I know आपके सामने passage नहीं है, I know पन्ना पलट के अपन देख नहीं सकते, फिर भी we will try जितना भी याद हुआ, क्योंकि अगर हमें समझ में आ गया होगा तो हमारे लिए common sense is more than enough, you know, to attempt such questions. Question number one. What is Milkha Singh known as? What realization did Milkha Singh have when he was on the track during the Melbourne Olympics? ये अपने descriptive questions हैं, ये अपने subjective questions हैं। Simple सा answer दे दो भैया। What is Milkha Singh known as? पहले paragraph की पहली line, जब मैं आपको बोल रहा था कि monikers या फिर nicknames या फिर कोई भी नाम, उसको ध्यान में रखना है, इसका answer ये आ गया। बताओ, तो Milkha Singh को किस नाम से जाना जाता था? Answer बहुत सिंपल सा है, the flying Sikh. What realization did Milkha have when he was on the track during the Melbourne Olympics? हमने इतने अच्छे से डिस्कस किया उसको कि यार, I am pitted against one of the few of the best athletes in the world. They are so fit, they are so fine. Their training regime is absolutely crazy. इनके सामने तो मैं पानी भर रहा हूँ. That was the realization he had. कैसे लिखेंगे? Milkha Singh is also known as the flying Sikh. The realization that Milkha Singh had when he was on the track during Melbourne Olympics was that he was inferior to the rest of the athletes that were who were competing in the Olympics. Baat khatam, do line, karyakram khatam. List any two of Milkha Singh's achievements. Humne wahan pe mark kiye the. To itne sare medal Asian Games mein mile hain, Olympics mein mile hain, unme se koi do likh dena. He found the competitors very strong. Very good tha. राधा राधा अर्ली मॉर्निंग, वेरी गुड ब्रजेश, अर्ली मॉर्निंग, यस, क्रैक ऑफ डॉन, अर्ली मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस डिड मिल्खा सिंह फॉलो? याद है डॉक्टर ने बोला था कि सर क्या कर रहे हैं आप, इतना एक्सरसाइज मत करिए, तो उन्होंने स्प्रिंट करूंगा डिसाइड किया था, एंड ही फॉलोड अ वेरी स्ट्रिक्ट रेजीम, अ वर्कआउट रेजीम, and he made sure that he stuck by it. और कोच के साथ वो पूरे टाइम प्रैक्टिस किया करते थे। दो लाइन, दो सेंटेंसेस, कार्यक्रम खत्म। स्टेट टू कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज हार्ड एंड स्ट्रेनुअस प्रैक्टिस। इसी क्वेश्चन से थर्ड क्वेश्चन का ही जो एक्सटेंशन है आंसर का, फोर्थ क्वेश्चन में पूछ लिया गया है कि क्या हुआ इतने स्ट्रेनुअस रूटीन, इतने ज्यादा क्या बोलते हैं डिसिप्लिन में रहने से क्या हुआ? खून की उल्टियाँ हुई, बेहोश हो जाते थे एक्सरसाइज करते करते। ये अपन ने दो कॉन्सिक्वेंसेज लिख दिए, बात खत्म। What motivated Milkha Singh to become the best athlete in the world? He used to imagine कि यार मैं भाग रहा हूँ, खचाखच स्टेडियम भरा हुआ है और सब लोग मेरा नाम चिल्ला रहे हैं, Milkha, 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 और उसके बाद तालियां बजा रहे हैं, motivate कर रहे हैं, and that is what motivated him. These visions, the images he created in his own mind helped him a lot. He found the competition. Very good था. ठीक है, फिर से? नहीं, मेरा फोन अटक गया क्या? ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, एक्सप्लेन द फ्रेज आई वुड स्टार्ट अगेन इन द लास्ट सेंटेंस। आई वुड स्टार्ट अगेन मतलब इवन इफ आई फॉल डाउन, इवन इफ आई फेल, आई विल नॉट गिव अप, आई विल स्टार्ट अगेन। बहुत ही सिंपल सा है एक्सप्लेनेशन, अपन ने दिया और काम खत्म। एक फाइनल प्रैक्टिस और करते हैं। अभी तक बताइए समझ में आ रहा है कि एक फैक्ट बेस्ड पैसेज को किस तरीके से हमें ट्रीट करना चाहिए? कमेंट्स में लिखकर प्लीज बताइए। अभी थोड़े थोड़े डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। इंपॉर्टेंट नेम्स, नेम्स कैन बी ऑफ पीपल, प्लेसेस, उनके निकनेम भी हो सकते हैं इन दिस केस।
इंपॉर्टेंट नंबर्स, नंबर्स में डेट्स हो सकती हैं, ईयर्स हो सकते हैं, या फिर कोई क्या बोलते हैं बायोग्राफ वगैरह दे दिए तो उसमें से अपने कुछ ना कुछ फैक्ट्स हो सकते हैं, कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं। ये दो चीज़ों को ध्यान में रखना है। डायरेक्ट स्पीच आ गई तो भाई हमें पक्का करना है। डायरेक्ट स्पीच मतलब किसी का कोई डायलॉग है या मोनोलॉग है जो डबल इन्वर्टेड कॉमास में है, हमें उसे बहुत ध्यान से देखना है। ये तीन चीज़ों को ध्यान रखना है हमें जब हम बात करते हैं अपने फैक्ट बेस पे। अभी तक की कहानी समझ में आई? कमेंट्स में लिख के बताइए, अभी तक की कहानी समझ में आई क्या? ऑसम ताहा, ब्रजेश, चरण, पूर्वी, बताओ मुझे। जैसे आप मुझे बताओगे, एक छोटी सी और प्रैक्टिस करेंगे एक अलग टाइप की क्वेश्चन की, विच कैन ऑल्सो फॉल अंडर कैटेगरी ऑफ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है? ऑसम 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 ऑसम, बहुत सारे दिल। हाँ, ऑस्ट्रेलियाज 2019-2020 बुश फायर सीजन वॉज नॉट नॉर्मल, ये है हमारा क्या बोलते हैं टॉपिक। अब ये क्या है, दिमाग में घंटी बजी होगी अगर न्यूज़ वगैरह पढ़ते होंगे। याद है एक समय पे ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है कि जब भी एक्सट्रीम हीट वगैरह एक्सपीरियंस करता है ना ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ पे जंगलों में आग लगने लगती है। और ये 2019-2020 की बात है जब बहुत सीरियस आग लगी थी। प्यारे प्यारे कैंगरूज, कोआला बेयर्स वर डिस्प्लेस्ड अनफॉर्चुनेटली। याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा थोड़ा, आई डोंट नो, नहीं आ रहा होगा तो एक बार याद कर लेंगे। यहाँ पे भी याद रखिए, यहाँ पे भी नंबर्ड पैराग्राफ्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि क्वेश्चन में बताया जाता है ब्रैकेट में कि ये पैरा टू या पैरा वन। उसको बिना देखे अगर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने, आंसर को अटेम्प्ट करने लगेंगे ना, तो बहुत कंफ्यूजन होगा। क्योंकि अगर हमारे पास चार पांच छह पैराग्राफ्स हैं तो हम किस पैराग्राफ से सिनोनिम निकालें, किस पैराग्राफ से एंटोनिम निकालें और कहां से मीनिंग निकालें, ये हमें समझ में नहीं आएगा तो हमारा समय खराब होगा। और मैं बार बार कहता हूं, इट्स नॉट अ टेस्ट ऑफ योर मेमोरी, इट्स अ टेस्ट ऑफ योर टाइम मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स एज वेल। आगे बढ़ते हैं। डेटा फ्रॉम सैटेलाइट रिसोर्सेज असेंबल्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम्स UNEP वर्ल्ड एनवायरनमेंट सिचुएशन रूम कंफर्म्स दैट द वाइल्ड फायर्स इन ऑस्ट्रेलिया इन द लास्ट टू मंथ्स ऑफ 2019 एंड द फर्स्ट सिक्स वीक्स ऑफ 2020 were far from normal. 2019 was the second hottest year on record since 1880, and Australia recorded its warmest temperatures ever in December 2019. Temperatures की बात कर रहे हैं तो of course जब भी temperature की बात की जाएगी, कोई degree विग्री दी जाएगी, कोई साल वार दिया जाएगा, अपन को यहाँ पे mark कर लेना, highlight कर लेना है। Question, sorry, paragraph number two. Rising inverted commas में है, rising temperatures continue to melt records. The past decade was the hottest on record. Scientists tell us that ocean temperatures are now rising at the equivalent of 5 Hiroshima bombs a second. देखो, अब 5 यहाँ पे अपने letters में, words में लिखा गया है, ठीक है? तो यहाँ पे हमें कभी भी लग सकता है कि अरे यार, तो miss हो गया, क्योंकि पूरे time number numerical में लिखे हैं, जरूरी नहीं है. Please keep your eyes open. 1 million species are in near-term damage of extinction. Very crazy, crazy. Extinct ho jayenge. Endangered nahi, extinct ho jayenge, bhai. Our planet is burning, says United Nations Secretary General Antonio Guterres. Comments mein likhke bataiye, jo cheeze maine highlight kari, abhi tak kya samajh mein aaya ki maine kyun highlight kari un cheezon ko? Because reading is all about how much you understand from the text, not how much you remember from the text. Reading is all about how much you understand from the text and not how much you can retain or memorize from the text. You have to remember that. Abhi tak jo bhi mark kiya, kyun mark kiya, samajh mein aaya? Ek baar mujhe bata dijiye comments mein please. Fir hum aage badhte hain. Aage, 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 aage. थोड़े लाइक्स वाइक्स, थोड़े दिल विल फेंकिए भाई प्लीज। फोन हैंग हो गया लग रहा है। ओ, इंटरनेट। ऑसम, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है थर्ड पैराग्राफ, द ट्रेंड इज वेरी क्लियर। 37 ऑफ द लास्ट 40 इयर्स, सॉरी, द ट्रेंड इज वेरी क्लियर, 37 ऑफ द लास्ट 40 इयर्स वर द वार्मेस्ट रिकॉर्डेड सिंस 1880। ये याद रखना है कि 1880 के बाद सबसे ज्यादा हॉटेस्ट था ये वाला साल। एंड द सिक्स्थ वार्मेस्ट ईयर रिकॉर्डेड वर द लास्ट 6 इयर्स, सेज पास्कल पेडुजी, डायरेक्टर ऑफ UNEP's ग्लोबल रिसोर्स इंफॉर्मेशन डेटाबेस इन जिनीवा। ठीक है,
अब यूएनईपी का फुल फॉर्म दिया हुआ था, अगर आपको याद हो, पहले पैराग्राफ में पूछा जा सकता है, फॉर दोज हु थिंक ऑस्ट्रेलिया इज ऑलवेज बर्निंग, ग्राफ्स क्लियरली शो दैट दीज फायर्स वर एक्सेप्शनल. मतलब वैसे तो टेम्परेचर हाई होते हैं, कभी कभी छोटी मोटी आग रखते रहती है, पर ग्राफ्स को ध्यान से देखोगे ना तो पता चलेगा कि ये जो फायर थी 2019 2020 की, ये एक्सेप्शनल थी. पैराग्राफ नंबर 4, दिस सर्विस एक्सेसिबल वाया द यूएनईपीज वर्ल्ड एनवायरमेंट सिचुएशन रूम इज प्रोवाइडेड फॉर ऑल कंट्रीज एट नेशनल एंड प्रोविंशियल लेवल्स. It identifies trends in wildfire activity since 2003, when the data first became available and monitoring began. We have sliced and diced the satellite-based data on wildfires worldwide from 2009 to the present day. We analyze the wildfires data by month, type of land cover, protected area, province, and nation to produce information products. बहुत important है ये line कि analysis कैसे किया जाता है. एनालिसिस इस बेसिस पे किया जाता है कि डेटा बाय मंथ, टाइप ऑफ लैंड कवर, प्रोटेक्टेड एरिया, प्रोविंस एंड नेशन टू. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि एनालिसिस कैसे किया जाता है पूछेंगे, तो ये पूरी लाइन ही आंसर है उसका, और ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है. कमेंट सेक्शन, कमेंट सेक्शन, कमेंट सेक्शन, कमेंट 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 सेक्शन, कमेंट कमेंट. समझ में आ रही है अभी तक की बात? कमेंट्स में बताइए अभी तक की बात समझ में आई. मैं कौन सी चीज को क्यों मार्क कर रहा हूं, कोई चीज मेरे को इंपॉर्टेंट क्यों लग रही है. कीवर्ड एनालिसिस, जब हम बात करते हैं केस बेस्ड पे, तो एनालिसिस, मॉनिटर, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिसके ऊपर हमें खासा ध्यान देना चाहिए, हमें नजर गड़ी रहनी चाहिए कि ऐसे कोई वर्ड्स आ रहे हैं क्या, क्योंकि आसपास इन वर्ड्स की जो इन्फॉर्मेशन होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है. उससे डेफिनेटली कोई क्वेश्चन आएगा. क्यों? क्योंकि एनालिसिस, मॉनिटरिंग, अंडरस्टैंडिंग, इंटरप्रिटेशन, ये सारी चीजें केस बेस्ड ही तो होंगी, फैक्ट्स तो यहीं से आते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब बेस्ड ऑन दीज शॉर्ट फोर पैसेजेस, बट फोर सॉरी शॉर्ट फोर पैराग्राफ्स का पैसेज, बट शॉर्ट है बट डेटा हैवी है, लेट अस ट्राई एंड आंसर दीज क्वेश्चंस. कमेंट सेक्शन में एक्टिव हो जाओ. व्हाट डू द रिपोर्ट्स कंफर्म अबाउट द 2019-2020 ऑस्ट्रेलियन फायर्स? द फायर्स वर नॉट नॉर्मल, द फायर्स वर नॉर्मल, द फायर्स वर नेचुरल, डेटा इज इनकंक्लूसिव. बताइए. चीख चीख के मैंने एक शब्द को मैंने यहां पे बोला था जब हम बात कर रहे थे. सिर्फ चार पैराग्राफ्स हैं, उनमें से आंसर निकालना है. व्हाट डू द रिपोर्ट्स कंफर्म अबाउट 2019-2020 ऑस्ट्रेलियन फायर्स? द फायर्स वर नॉट नॉर्मल, द फायर्स वर नॉर्मल, द फायर्स वर नेचुरल, या फिर फोर्थ, डेटा इनकंक्लूसिव. क्या है आंसर इसका बताओ. 1 2 3 4 क्या था? नॉर्मल थी, नहीं थी, इनकंक्लूसिव डेटा है, नेचुरल होती है चीजें, क्या है आंसर? गेस करिए. गेस करना अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सही होने से. सही हमें एग्जामिनेशन में होना है. अभी गलती करनी है, सीखना है और आगे बढ़ना है. गलती करनी है, सीखना है, आगे बढ़ना है. क्या होगा इनमें से आंसर बताओ मुझे. बोलो 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 बोलो. नॉर्मल थी फायर, नहीं थी फायर नॉर्मल, फायर्स वर नेचुरल, या फिर डेटा इनकंक्लूसिव. बच्चे तो दिख रहे हैं यहां पे, हमसे कोई बात ही नहीं कर रहा. प्लीज करो, यही एक तरीका है बात करने का. बताइए बताइए. एक्सेप्शनल, दीज फायर्स वर एक्सेप्शनल, दीज फायर्स वर एक्सेप्शनल. फॉर ऑल दोस पीपल हु थिंक दैट फायर्स आर नेचुरल, यू नो, गेटिंग इन द समर सीजन इन ऑस्ट्रेलिया, स्टिल इफ यू लुक एट द ग्राफ्स यू विल अंडरस्टैंड दैट द फायर्स वर एक्सेप्शनल. बताइए मुझे क्या मतलब. मैंने आंसर दे दिया है पैराग्राफ से ही, मैंने वो जो क्या बोलते हैं वो पोर्शन था जिससे आंसर निकलेगा वो बता दिया है. अब मुझे बताओ, फायर्स वर एक्सेप्शनल बोला जा रहा है तो क्या मतलब है? नॉर्मल थी, नहीं थी, नेचुरल थी, डेटा नहीं है, क्या है आंसर? यस, द फायर्स वर नॉट नॉर्मल बिकॉज दे वर एक्सेप्शनल. मतलब ये आउट ऑफ द ऑर्डिनरी चीज हुई थी, ये बताया जा रहा है. नॉर्मल होता तो नॉर्मल जैसा कोई वर्ड यूज किया जाता, पर एक्सेप्शनल बोल रहे हैं. एक्सेप्शनल इज बियॉन्ड नॉर्मल. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द डिफरेंस इन द रिकॉर्डेड टेम्परेचर्स इन 2019 फ्रॉम 1880s? नंबर्स हमने पूछे थे, नंबर्स में आ गए. 2019 रिकॉर्डेड द वेटेस्ट टेम्परेचर सिंस 1880s. वेटेस्ट, आई डोंट नो.
2019 recorded the hottest temperature ever. 2019 recorded the cooler temperature than 1880s. Recorded the warmest temperature since 1880s. हमें बना बनाया आंसर मिल गया. आंसर इज 4 कि 1880s 2019 में जो रिकॉर्ड किया था टेम्परेचर इट वॉज द वार्मेस्ट टेम्परेचर. 1-4. Oh, wonderful. Cool. Thank you so much for joining and thank you so much for right answers. Question number 3. What comparison has been made between the rising sea temperatures and Hiroshima? Yaad hai Hiroshima Nagasaki wala karyakram? Bombs phenke gaye the. One of the worst chapters in mankind's history. Anyway. So what comparison has been made between the rising sea temperatures and Hiroshima? Ocean temperatures are rising at the equivalent of 3 Hiroshima bombs a second. Ocean temperatures are rising at the equivalent of 5 Hiroshima bombs a second. Ocean temperatures 5 Hiroshima bombs and R? None of these. Bataiye. Kya hai iska answer? Paragraph se peeche jana chahenge to jaate hain apan ek baar. Aur yahan se apan answer ko samajhne ki koshish karte hain. याद है मैंने एक जगह पे बताया था कि हर जगह पे नंबर लिखा हो न्यूमेरिक्स में जरूरी नहीं है, कभी कभी वर्ड्स में लिखा जाता है. वही वाला हिस्सा है ये. 5 हिरोशिमा बॉम्ब्स अ सेकंड इज आर आंसर. देखते हैं कहां पर है. तो आंसर क्या मिला? 5 हिरोशिमा बॉम्ब्स एन आर. नो 5 हिरोशिमा बॉम्ब्स अ सेकंड. यस सर, द आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. 5 हिरोशिमा बॉम्ब्स अ सेकंड. देखो 5 तो ठीक है पर यहां पे भी 5 दे दिया तो कंफ्यूजन हो गया है कि नहीं. अ सेकंड इज द डिसाइडिंग फैक्टर. क्वेश्चन के आंसर्स बताते जा रहे हैं. बढ़िया, बताते जाइए. धन्यवाद आपका. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट डेटा सोर्सेज नॉट प्रेजेंट इन द गिवन ग्राफ. यहां पे ग्राफ है ही नहीं है, मैंने ग्राफ इंक्लूड नहीं किया इसमें भी. तो बट अगर बताना चाहूं मैं तो NOAA का डेटा. आगे बढ़ते हैं. दिस इज इनकॉन्सिक्वेंशियल. ऑलराइट. चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट्स द करेक्ट स्टेटमेंट. पास्कल पेडुजी इज द डायरेक्टर ऑफ यूएनईपीस ग्लोबल रेनेसों इंफॉर्मेशन डेटा. रेनेसों क्यों होगा भाई, बट एनीवे पास्कल पेडुजी इज द डायरेक्टर ऑफ यूएनओस ग्लोबल रिसोर्स इंफॉर्मेशन डेटा. अब देखो एक और तरीका है. यूएनईपी. तो मतलब यूएनओ का तो होंगे ही नहीं. कभी कभी आंसर हमें सही पता नहीं होता पर ये तो कभी कोई समझ में आता ना कि गलत आंसर कौन सा है. टू सेलेक्ट द राइट आंसर इज इंपॉर्टेंट बट टू रिजेक्ट द रॉन्ग आंसर इज इक्वली इंपॉर्टेंट. यहां पे हमें ये समझ में आ रहा है. तो भैया ये तो ऑप्शन नहीं है, इन तीन में से कोई है. पास्कल पेडुजी इज द मैनेजर ऑफ द. मैनेजर नहीं है, डायरेक्टर है भाई. क्योंकि देखो आप यहां पर भी तीन जगह डायरेक्टर यूज किया है तो इस मैनेजर वर्ड की वजह से हमें समझ में आएगा कि ये भी नहीं है. तो 1 और 4 में से अभी हमें चूज करना है कि कौन सा होगा. ग्लोबल रिसोर्स इंफॉर्मेशन डेटा, ग्लोबल रेनेसों नहीं है. आंसर इज 4. रेनेसों का मतलब होता है रिवाइवल ऑफ लर्निंग. रेनेसों इज क्लोजली एसोसिएटेड विद लिटरेचर और ये लिटरेचर की नहीं है. ग्लोबल वार्मिंग या टेम्परेचर राइजिंग एंड बुश फायर की बात की जा रही है. तो अंगद कौन सा क्वेश्चन बता मुझे. फिफ्थ हम अभी फिफ्थ पे हैं. अंगद आई वुड लव टू, मुझे बता मुझे कि कौन सा वाला क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 1, 2 कौन सा वाला अंगद मेरे को बताएगा. आई मेक श्योर आई डू दैट. तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ. ठीक है, तेरे कमेंट का वेट कर रहा है मैं. माय फेवरेट, द मोस्ट इरिटेटिंग ऑफ ऑल. विच ऑफ द वर्ड इन द पैसेज मीन्स द सेम एज कलेक्ट. बताइए. फोर्थ अंगड मैं बताता है, इसको कंप्लीट करके बताऊ. डोंट माइंड, बस एक मिनट हो गया. विच वर्ड, अब ये तो मेरे साथ कर लो. विच वर्ड ऑफ द पैसेज मीन्स द सेम एज कलेक्ट. अ सिंबल, एक्सटेंशन, एक्सेप्शनल, प्रोविजन. अगर एवेंजर्स के फैंस हो इसका आंसर तुम्हें आना चाहिए. अवेंजर्स क्या करते हैं, जब अवेंजर्स मूवी आई थी तो जितने भी सुपर हीरो से एक साथ क्या हुए थे, असेंबल हुए थे. तो कलेक्ट का मतलब होगा असेंबल होना. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8. विच वर्ड इन द पैसेज इज ऑपोजिट टू द मीनिंग ऑफ वेग एंड मर्की. तो यहां पे सेम पूछा था, यहां पे पूछा जा रहा है ऑपोजिट. वेग एंड मर्की. वेग एंड मर्की का क्या मतलब होता है? धुंधला सा,
गंदा सा, ठीक है, कीचड़ का पानी होता है ना, तो वो मर्की है। अगर आपके शीशे के ऊपर ओस जम गई है तो यू आर एबल टू सी वेगली आउट ऑफ इट, उसके बाहर तो दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है। अंगद, वन आंसर, करेक्ट आंसर। विच वर्ड इन द पैसेज इज ऑपोजिट टू द मीनिंग ऑफ वेग एंड मर्की? तो वेग मतलब अनक्लियर, धुंधला। अब बताओ, असेंबल्ड, नहीं भैया, क्लियर, एक्सटेंशन, प्रोविजनल, रिमेंबर ऑपोजिट वर्ड बताना है। तो पहला ऑप्शन है असेंबल्ड, दूसरा ऑप्शन है क्लियर, तीसरा ऑप्शन है एक्सटेंशन, चौथा ऑप्शन है प्रोविंशियल। द आंसर, जेंटलमैन एंड लेडीज, इज क्लियर, क्योंकि मैं बता दिया था वेग का ऑपोजिट क्लियर होता है। अब नहीं, अभी क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि अंगद ने पूछा है हमसे क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट डेटा सोर्स इज नॉट प्रेजेंट इन द गिवन ग्राफ? तो यहां पे एक ग्राफ था, ठीक है, उस ग्राफ के अंदर हमारे पास, सो आई विल मेक द ग्राफ फॉर यू, ठीक है, एक ग्राफ बनाना है हमें, तो जहां पे हमें बताया गया था कि यार व्हाट आर द फैक्टर्स, जब हम एनालिसिस की बात कर रहे थे लास्ट वाले पैराग्राफ में, सो एनालिसिस में बोला था कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं दैट वी टेक इनटू कंसीडरेशन, ठीक है। सो दैट बीइंग सेड, हमारे पास एक ऐसा ग्राफ था, आई हैव इट इन माई हैंड, सो वी हैड, ऐसे करके अपने पास एक ग्राफ आया था, ठीक है, जहां पे आप मान लो कुछ 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 परसेंटेजेस थे, और यहां पे हमें लेजेंड्स दिए गए थे, इसरो, नासा, NOAA और JMA। नाउ इनमें से NOAA वॉज नॉट प्रेजेंट इन द गिवन ग्राफ, ठीक है, तो यहां पे ग्राफ वाला क्वेश्चन है अंगद, मतलब ग्राफ दिया है, ग्राफ के साइड में कई बार हमें लेजेंड्स दिए जाते हैं, लेजेंड्स क्या होते हैं, कई बार ग्राफ में लिखने की जगह नहीं होती तो बाजू में एक छोटा सा डिब्बा बनाते हैं और उसमें जो भी ग्राफ का कलर है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ ऑरेंज है, यहाँ पर्पल है, यहाँ पे येलो है, यहाँ पे पिंक है, तो वहां पे वही कलर से यहाँ पे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंबलाइज करेंगे, और उसके सामने हमारे पास सोर्सेज लिखे होते हैं, तो ये डिब्बा जो है ना, उस डिब्बे से हमें इसका आंसर मिलता है। अंगद कोड़ा, आंसर योर क्वेश्चन, ग्राफ में इंक्लूड नहीं कर पाया था, आई डिड नॉट वांट टू मेक इट हेवी, मैंने सोचा ऐसे कर देंगे, एंड विद दैट वी आर डन विद द रीडिंग सेक्शन, विद द रीडिंग सेक्शन दैट वी आर गोइंग टू कम अक्रॉस, जब हम इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज के एग्जाम की बात करेंगे। आप कोई भी कक्षा में हो, अगर आपके पेपर में रीडिंग पैसेज आता है तो ये सारी चीजें आपके काम आएंगी, ठीक है। तो अब हमने डिस्कस कर लिया डिस्कर्सिव पैसेजेस, हमने डिस्कस कर लिया केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेजेस, अब हमारा रीडिंग सेक्शन खत्म हो जाना चाहिए। हमें ये पता है कि किन चीजों के ऊपर हमारी नजर जानी चाहिए, नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, थिंग्स, नंबर्स ऑफ एनी काइंड, डेट्स हो गए, फिगर्स हो गए, ग्राफ से हुए, बार ग्राफ से हुए, पाई चार्ट से हुए, किसी से भी हो सकते हैं फिगर्स वगैरह, इन चीज़ों पे ध्यान रखना है हमें, डायरेक्ट स्पीच में या फिर कोई डायलॉग आ रहा है, मोनोलॉग आ रहा है, या फिर सिंपल सी बात है डबल इनवर्टेड कॉमास में कोई चीज़ आ रही है, हमें उसके ऊपर ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ों पे हमें ध्यान रखना है, दैट इज़ ऑल। और एंटोनिम सिनोनिम निकालने का तरीका क्या है, दो तरीके हमने बताया, एक लंबा तरीका ये है कि जहाँ पे वो वर्ड आपको दिख रहा है कि यार इस वर्ड का पूछा गया है क्वेश्चन में, तो उस वर्ड के पहले वाले सेंटेंस, उसके ऊपर वाला सेंटेंस, उसके नीचे वाला सेंटेंस, यू सैंडविच दैट लाइन जिसके अंदर वर्ड आ रहा है, बिटवीन द टू सेंटेंसेस, दैट इज सैंडविच विथ, एंड यू रीड, ताकि कंटेक्स्ट समझ में आए और मीनिंग आए। शॉर्ट तरीका जो कि अभी आपको यूज करना चाहिए, कि जो भी एमसीक्यू से पूछा गया है उनमें से हर एक वर्ड को रिप्लेस करते चले जाओ, और जब जिस वर्ड के साथ मीनिंग इंटैक्ट रह रहा है उस सेंटेंस का, वही वर्ड उसका सिनोनिम होगा, जिस वर्ड के साथ मीनिंग इंटैक्ट नहीं हो रहा है, ऑपोजिट हो जा रहा है, तो वो एंटोनिम होगा। दैट इज ऑल डन एंड डस्टेड, इसके अलावा और कुछ नहीं होता रीडिंग में। अब इंप्रूव कैसे करना है, क्या करना है, वो सारी बातें हम कभी और करेंगे जब हमारा ये खत्म हो जाएगा बोर्ड्स, ठीक है। थैंक यू अंगद फॉर आस्किंग अ वंडरफुल क्वेश्चन। बच्चों, क्वेश्चंस वगैरह पूछोगे, मेरे को बहुत मजा आता है, आई वुड बी एबल टू आंसर एज मेनी क्वेश्चंस एज यू वुड आस्क मी। विद दैट आई वुड लाइक टू रैप दिस लाइव अप, एंड रुकिए जरा, कुछ वन शॉट्स भी हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं आपके लिए, ताकि आपको कहीं और जाने की आवश्यकता ना पड़े। दसवीं के बच्चों, प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा, शाम में वापस आऊंगा,
आप हमारे चैनल पे आइए और देखते रहिए कि शेड्यूल क्या हो रहा है आपके लिए स्पेशल सा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार, एंड प्लीज़ कीप कमेंटिंग ऑन दिस वीडियो। आई नो व्हाट आई शुड टीच, हाउ आई शुड टीच, एंड व्हाट आर योर कंसर्न्स, ताकि तुम्हारे कंसर्न्स मेरे को पता चलेंगे। दैट इज़ द ओनली थिंग दैट विल मेक मी अ बेटर टीचर। थैंक यू सो मच, सी यू सून। और बोर्ड्स में अकेले नहीं हैं आप लोग, किसी ने बोला था कि डर लग रहा है, डोंट वरी, हम आपके साथ हैं। सी यू सून, प्रिटी सून, सूनर देन वुड लाइक मी टू कम एंड फेस यू। बाय बाय।